हेलो, मेरा नाम है मशाल हुसैन और मैं वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन में बतौर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर काम करती हूँ। वर्ल्ड फूड प्राइज में ये मेरा 16वां साल है। मैं मूल रूप से पाकिस्तान से हूँ। मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ और परवरिश हुई दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में। इन जगहों में शामिल हैं दार एस सलाम तंजानिया, मनाली फिलीपींस, फिर मुझे बैंकॉक थाईलैंड जाने का मौका भी मिला। तो सोचिए मुझे कितना कुछ सीखने का, कल्चरल एक्सपोजर का मौका मिला। अब मैं अपनी ज़िंदगी के अगले हिस्से की बात करती हूँ। अब मैं वर्ल्ड फूड प्राइज में काम कर रही हूँ और डेमोइन आयोवा में रहती हूँ। मुझे इस काम का सबसे दिलकश हिस्सा लगता है पूरी दुनिया के पार्टनर्स के साथ काम करना, एक कॉमन शेयर्ड विजन के साथ। ये है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की समस्या हल करना। मेरे दिमाग में जो लीडरशिप स्टाइल सबसे पहले आता है और जो सबसे अहम और दमदार लगता है, वो है सभी उम्र के और अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ कनेक्ट हो पाना और रिलेशनशिप बनाना। आप में नए माहौलों और दुनिया भर के लोगों के साथ तालमेल बिठाने की खूबी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि मैं इस बात को अपने प्रोफेशनल काम पर लागू कर पाई हूँ। मेरी कोशिश होती है दूसरों के साथ बड़े जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से रिलेशनशिप बनाना। जिस लीडर ने मुझे वाकई इंस्पायर किया, वो मेरी अपनी फैमिली से ही थे। वो थे मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हयात जफर, जो एक मेडिकल डॉक्टर थे और वो मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मेरी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर डाला। वो लोगों के साथ बखूबी घुल मिल जाते थे। मुझे लगता है कि ये किसी इंसान की बहुत बड़ी खूबी है कि आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेशन बना पाते हैं। अब चाहे ये आपका स्टाफ हो, आपके एक्सटर्नल पार्टनर और स्टेक होल्डर्स हों, आप सबकी एक शेयर्ड विजन होती है और आप एक साथ मिलकर उसे बेहतर ढंग से हासिल कर पाते हैं। युवाओं के लिए मेरी सलाह है कि नए मौकों के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखिए। आपका करियर पाथ आपको जहां ले जाए, उसके लिए आप हमेशा फ्लेक्सिबल रहिए। हो सकता है आप शुरुआत एक चीज से करें, पर आप अपने बर्ताव में लचीलापन और खुलापन रखें और नए मौकों को गले लगाते रहें। आखिरकार आपको अपनी पसंद का काम मिल ही जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज का ये सेमिनार। कैटल ऑफ चेंज विमेन लीडर्स इन साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। ये स्पैनिश, फ्रेंच और हिंदी में उपलब्ध है। आप इंटरप्रिटेशन को चुनने के लिए अपनी पसंद के बटन को दबा सकते हैं जो नीचे दिया गया है। ये सेमिनार रिकॉर्ड किया जाएगा और सिमिट के वेबकास्ट पर उपलब्ध रहेगा। आप लिंक्डइन, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको QR कोड नजर आ रहा होगा, जिसके जरिए आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ आप स्लाइडो देख पा रहे होंगे, आप Q&A सेशन में सवाल पूछ सकते हैं। आज एग्रीकल्चर रिसर्च में एक बड़ी हस्ती आपके सामने आने वाली हैं, मशाल हुसैन। आप वर्क फूड प्राइज फाउंडेशन में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। आपके साथ बात करेंगे क्लोडिया वेलास्को, जो मैनेजमेंट मैनेजर है। अब मैं सिमिट के डायरेक्टर जनरल ब्रैम से अनुरोध करूंगी कि वो इस इवेंट को ऑफिशियली ओपन करें। उनका आज एक रिकॉर्डेड मैसेज है हमारे पास। गुड डे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आप जहां भी हैं स्वागत है आपका। आज फिर पेश है एक नया वेबिनार कैटलिस्ट ऑफ चेंज विमेन लीडर्स इन साइंस का।
सिमेट में हमने एक साल से भी पहले वेबिनार्स की एक सीरीज शुरू की थी जहां हम पेश करते हैं टेड टॉक और फायरसाइड चैट स्टाइल में वुमेन लीडर्स को। हर सेमिनार में एक सिमेट वुमेन लीडर एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल वुमेन लीडर का इंटरव्यू लेती है। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम बड़े स्तर पर समावेशन का अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, साइंस और साइंस लीडरशिप में ज्यादा विस्तृत रिप्रेजेंटेशन और जेंडर बैलेंस चाहते हैं, तो हमें विमेन लीडर्स के विचार सुनने, उनकी लाइफ जर्नीज जानने, उनके लेसन और इंसाइट से रूबरू होने के ज्यादा मौके होने चाहिए, क्योंकि जो देखेंगे तो वही बनेंगे। तो इस सीरीज में हम ऐसी महिलाओं को हाईलाइट करते हैं जो कई क्षेत्रों में लीडर्स हैं, चाहे वो कोई लीडर फार्मर हो जो अपने खेत को निखारना चाहती है, चाहे एक कम्युनिटी लीडर हो, या ऐसी महिलाएं जो अपने देशों का नेतृत्व करना चाहती हैं। आज हमारे साथ हैं एक सच्ची कैटलिस्ट ऑफ चेंज, डायवर्सिटी में यकीन रखने वाली, क्योंकि ये खुद ही डायवर्सिटी यानी विविधता की हम नाम है। मशाल हुसैन वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। आप कई देशों से जुड़ी रही हैं, पाकिस्तान, तंजानिया, थाईलैंड और फिलीपींस, और इसीलिए मशाल का की जड़ें काफी गहरी हैं। इन्हें अनुभव है जबरदस्त, जिससे इनसे ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं ग्लोबल परस्पेक्टिव। 2008 में फाउंडेशन को ज्वाइन करने के बाद से आपने कई विविध और प्रभावकारी पहल की हैं, जैसे कि द मॉइन पब्लिक लाइब्रेरी को दोबारा बनाने से जुड़ा $3,80,00,000 का प्रोजेक्ट, जिसे उन्होंने शक्ल दी नॉर्मन ई बॉरलॉग हॉल ऑफ लॉरिएट्स या वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के लिए ग्लोबल हेडक्वार्टर्स। ये फाउंडेशन हर साल वर्ल्ड फूड प्राइज देती है, इसे आप खेती का नोबेल प्राइज कह सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन वो जगह है जहां युवाओं को इसलिए लाया जाता है ताकि वो खेती और खेती में बदलाव के बारे में चर्चा कर सकें। मशाल में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की जबरदस्त तरक्की वाले दौर में कमाल की लीडरशिप मुहैया कराइए, खासकर इसके प्रोग्राम को जिनमें यूथ प्रोग्राम्स भी शामिल हैं। इसलिए हमें इस चर्चा में काफी आनंद आने वाला है। हम मशाल के काम के लीडरशिप एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखेंगे। हम क्लॉडिया के विचार भी जानेंगे, जो हमारी अपनी लीडर है, जब वो टेड टॉक के बाद एक फायरसाइड चैट में बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आज आगे क्या होने वाला है। आप रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, सोचेंगे, सवाल पूछेंगे और बात भी करेंगे। तो वेलकम करते हैं मशाल का, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्राम। मैं इस बहुत ही खास प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनने पर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। So I am a walking advertisement and champion for CIMET. I want to transition to a PowerPoint that my colleague Nicole will help me launch. The title of this entire webinar is Catalysts of Change, Women Leaders in Science. And of course, many of the featured speakers have been women scientists. But today you will be getting a very non-scientific perspective and insight. And sprinkle आज आप इंसाइट के बारे में एक नया ही नजरिया देखेंगे। हम खेती में महिलाओं के रोल के बारे में बात करेंगे, जिससे महिलाएं सशक्त हो पाएं। लेकिन मैं पहले दो इम्पोर्टेंट टेकअवेज के बारे में बात करना चाहूंगी। आपको ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है, और अगर एज में आगे जाकर आपको अपने इंटरेस्ट की बात मन में आती है तो आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। जब मैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी अरेना में दाखिल हुई तो मैं 36 साल की थी। ये 16 साल पहले की बात है। has, and, how old I am.
तो अब आप मेरी उम्र समझ चुके होंगे। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरी परवरिश एक बहुत ही विविधतापूर्ण माहौल में हुई थी। जन्म मेरा पाकिस्तान में हुआ, फिर मैं तंजानिया गई, फिलीपींस गई और थाईलैंड गई। मैंने खुद तो भूख महसूस नहीं की, लेकिन मैंने इसे देखा बहुत। मैंने कराची की सड़कों पर, दार एस सलाम की सड़कों पर, मनीला और बैंकॉक में भी मैंने भूख को करीब से देखा। लेकिन फिर मैं डिमोइन आयोवा में आई, जो एक होमोजेनस कम्युनिटी है। यहाँ मुझे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी का वाकई एहसास हुआ। मैंने जो करियर का रास्ता सोचा था, ये रास्ता बिल्कुल अलग था। यानी कि आप के मन की जो आवाज है, आप अपनी उम्र में आगे भी उसको फॉलो कर सकते हैं। 36 साल की उम्र में बैरिस्टर क्वेंकविन ने मुझे चुना। उन्होंने मुझ पर चांस लिया। मेरा कोई ऐसा प्रोफेशनल और एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था जो खेती से जुड़ा हो। मैंने सितंबर 2008 में फाउंडेशन को ज्वाइन किया था, की सिग्नेचर इवेंट से 3 हफ्ते पहले। वो लोग डायलॉग में पूरी दुनिया से 1200 लोग डेमोइन में आए थे। तब बहुत कुछ काम किया जाना था। आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें मैं अपने डेस्क पर बैठी हुई कि मैं कहां से शुरुआत करूं। मेरे सामने डाइट कोक रखा है। क्या मैंने सही चुनाव किया था? मैंने अपनी नौकरी छोड़कर जो हेल्थ केयर से जुड़ा था, एम्बेसडर क्विन ने मुझे जो पहला काम सौंपा वो था सीरिंग। आप मेरी डेस्क पर सारे नाम देख सकते हैं। एम्बेसडर क्विन ने तब मुझे एक बात कही थी जो हमेशा मेरे दिमाग में रही है। जहां लोग बैठते हैं और जैसा आप उनको महसूस कराते हैं, वो उसे कभी नहीं भूलेंगे। तीसरी बात, रिलेशनशिप बिल्डिंग की अहमियत। आप कोई भी हो और आप कितने भी सिग्निफिकेंट क्यों ना बन जाए, अहमियत इस बात की है कि आप लोगों को उस पल में कैसा महसूस कराते हैं। उसी के लिए आपको याद रखा जाता है। और चौथी बात, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस था और मैं सीडिंग का काम कर रही थी। तो मैंने उस पल में ये सीखा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। और आपको लीडर बनने के लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के हर हिस्से को समझना होगा और हर पहलू को अपने गले लगाना होगा। बेशक ये काम कितना ही छोटा क्यों ना हो, 2008 में इस समय अपनी जिंदगी में पहली बार मैंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम सुना। अब मैं उनकी विरासत को कायम रखने के लिए बड़ी मेहनत करती हूँ। उनका कहना था कि खाना
इस दुनिया में पैदा होने वाले हर शख्स का नैतिक अधिकार है। मैंने बचपन में भूख को बहुत से देशों में बहुत करीब से देखा है, कई महाद्वीपों में, लेकिन मैंने जिंदगी में पहली बार उनके सही मायने, भूख के सही मायने को समझा, उनके शब्दों को समझा। अब मैं जरा फूड वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में बता देती हूँ जहाँ मैं काम करती हूँ। हमारा मिशन तीन स्तंभों पर टिका होता है। मुझे अपने काम की विविधता पर बड़ा नाज है। ये तीन हिस्से एकदम अलग अलग हैं। पहला है, हम एक रिवॉर्डिंग और रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड फूड प्राइज एक $5,000,000 का अवार्ड है। Our 54th World Food Prize Laureate. इस साल हम 54 वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट को सेलिब्रेट करेंगे। इसे 1986 में डॉक्टर बोलोग ने स्थापित किया था। इन देशों से 53 लॉरिएट्स आते हैं। और इसके साथ कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जैसे कि सॉइल साइंस, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज, पानी से जुड़ी असुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों को बचाकर रखना, यानी ये बहुत अलग तरह के क्षेत्र हैं। ये बोरलॉग डायलॉग की आखिरी दिन की तस्वीरें हैं, जब दुनिया भर से आए सैकड़ों लोग, मशहूर लोग जमा थे। यहाँ पर आप राष्ट्रपति अकेशिना को देख रहे हैं। 2017 की इस तस्वीर में वो फूड प्राइज स्वीकार कर रहे हैं। ये कैपिटल का खूबसूरत हाउस चेंबर है। इसमें करीब 700-800 लोग अवार्ड सेरेमनी में आए थे। मुझे बताया गया है कि फूड प्राइज सेरेमनी नोबेल प्राइज से भी कहीं ऊपर की चीज है, जो ऑस्लो में होता है। तो ये था फूड वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। 2012 में हमने एक और प्रयास शुरू किया। हमने डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग रिसर्च अवार्ड शुरू किया। ये $10,000 का अवार्ड है, जो साइंस पर आधारित बहुत खास उपलब्धियों को दर्शाता है। ये वो पुरस्कार पाने वाले हैं जो दुनिया भर की भूख और गरीबी को दूर करने के लिए जुटे रहते हैं। बोरलॉग पुरस्कार पाने वाले कई अलग अलग देशों से हैं, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, केन्या, रुवांडा, चीन, बेनिन और टर्की, और भी कई देश हैं। बोरलॉग फील्ड अवार्ड का हमारा तीसरा रिसिपियंट था, जिसका नाम है डॉक्टर ग्राम गोवर्ट, 2014 में। तो ये डॉक्टर ग्राम की एक बड़ी उपलब्धि है। इनका नॉमिनेशन अप्रैल की शुरुआत में शुरू होता है और 15 जून तक चलता है। As well as the World Food Prize nomination process
इस बारे में हमारी वेबसाइट पर जानकारी मिल सकती है। तो ये है हमारा पहला स्तंभ, जिसमें बड़े बड़ी लोगों की बड़ी उपलब्धियों को प्रशंसित किया जाता है। दूसरी बात, हमारी खास प्रेजेंटेशन होती है बोरलॉग इंटरनेशनल सिंपोजियम। इसमें 83 देशों से हमारे यहाँ मेहमान आए थे। छह सौ संगठन थे जो इसमें हिस्सा ले रहे थे। हमने कोसोवो के राष्ट्रपति का स्वागत किया, इथियोपिया के राष्ट्रपति का भी स्वागत किया। दोनों ही महिला लीडर्स थीं। हमने नाइजीरिया के वाइस प्रेसिडेंट को भी सम्मानित किया, का भी स्वागत किया। रॉकफेलर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजीव शाह। एफएओ के डायरेक्टर जनरल भी आए थे। नौ देशों के ग्लोबल फार्मर भी आए थे। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए थे। हमें जिस तरह का प्रतिनिधित्व मिलता है, उसकी विविधता को लेकर हमें गर्व है। ऐसे लोगों के मिलने से एक जबरदस्त एनर्जी का एहसास होता है और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में इससे काफी प्रगति आती है। इस साल मार्च में अभी मार्च में हम एक नए इनिशिएटिव को शुरू करने वाले हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में है, जो मार्च की शुरुआत में पड़ता है। साथ ही हम डॉक्टर बोलो की 110वीं बर्थ एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। 26 मार्च को होने वाले इस समारोह में कृषि के क्षेत्र से जुड़ी विशिष्ट महिलाओं को हम शामिल करेंगे। इसमें समानता और सशक्तिकरण की बात होगी। सिमिट ने मुझे आज बुलाया है, तो मैं इस गैदरिंग के बारे में आपको थोड़ा बता सकती हूँ। इस आयोजन में अमेरिका के सेनेटर्स भी आएंगे, जो फायरसाइड चैट करेंगे। आप खेती में हुए विकास, अमेरिका में हुए खेती के विकास के बारे में बात करेंगे। हमारी कई विमेन लॉरियट्स के बारे में भी बात की जाएगी, वो भी इसमें शामिल होंगी। तो हम इस आयोजन को लेकर बड़े एक्साइटेड हैं। हम यूएसडीए के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और ये वाकई महिलाओं पर आधारित, महिलाओं के नेतृत्व वाली गैदरिंग होगी। अब मैं आपको तीसरे स्तंभ के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारी यूथ एजुकेशन के बारे में है। हम खेती के क्षेत्र से जुड़ी नई पीढ़ी को सशक्त बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो दुनिया की खाद्य सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। डॉक्टर बोरलॉग इसी हिस्से के बारे में बहुत उत्साहित थे। वो चाहते थे कि युवा मस्तिष्क दुनिया की फूड सिक्योरिटी की समस्या को हल करें। तो हमारा पहला प्रोग्राम होगा, अमेरिका के कई राज्यों में यूथ इंस्टीट्यूट्स होंगे और कई दूसरे देशों में भी होंगे।
विद्यार्थी किसी एक देश को चुनेंगे, उसके बारे में रिसर्च करेंगे, अपने पेपर्स दाखिल करेंगे, यानी आहार की सुरक्षा से जुड़े क्षेत्र से इन लोगों को जोड़ा जाएगा। इस साल हम केन्या और युगांडा में भी अपने प्रयास शुरू करने वाले हैं। हमारा दूसरा प्रोग्राम है ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट। हम स्टूडेंट्स के एक सबसेट को इनवाइट करेंगे इन यूथ इंस्टीट्यूशंस में जो दुनिया में अलग अलग देशों और राज्यों में हैं, कि वो हमारे अक्टूबर के इवेंट में आए। ये एक ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट है। इस साल हम इसकी 30वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि वाला साल है। ये प्रोग्राम शुरू हुआ था 1994 में। स्टूडेंट्स अपने पेपर्स प्रेजेंट करेंगे लॉरिएट्स को, साइंटिस्ट्स को, ये सब बोरलॉग डायलॉग का भी एक हिस्सा होंगे। ये लोग साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के साथ बैठेंगे जो पूरी दुनिया से आए होंगे, उनके साथ इनकी कमाल की चर्चाएं होंगी। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक बहुत ही अनूठा पहलू है। तीसरा घटक यूथ प्रोग्रामिंग का ये है, बोरलॉग रुआन इंटरनेशनल इंटर्नशिप। हम बहुत से विद्यार्थियों को विदेश भेजते हैं, दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में, ताकि वो रिसर्चर्स के साथ, साइंटिस्ट के साथ अफ्रीका में काम कर सकें, एशिया में काम कर सकें, लैटिन अमेरिका में काम कर सकें। वो सिमिट जैसे संगठनों के साथ पार्टनरशिप कर सकें, मिलकर काम कर सकें। ऐसे कई संगठन हैं, भारत में भी हैं, पेरू में भी हैं, इसके अलावा भी और कई संगठन हैं। हम चीन में भी प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके अलावा केन्या का सीपे है, नैरोबी में भी, नैरोबी को भी हम इसमें शामिल कर रहे हैं। यानी हम विद्यार्थियों को सारी दुनिया में भेज रहे हैं। तो वो वहाँ साइंस और कल्चरल एक्सपीरियंसेस को बहुत करीब से महसूस करेंगे और इन जगहों पर रिसर्च भी करेंगे। चौथा प्रोग्राम है वर्ल्ड फूड प्राइज का, चौथा प्रोग्राम है वॉलेस कार्वर फेलोशिप। इनका फोकस कॉलेज स्टूडेंट्स पर रहता है। हमारी USDA के साथ में कमाल की कोलैबोरेशन है। वॉलेस कार्वर प्रोग्राम के फेलोज USDA रिसर्च सेंटर्स के साथ काम करते हैं। ये पेड फेलोशिप होती है। इनके बीच कॉमन यूथ प्रोग्राम्स के कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवा महिलाएं स्टार्स हैं इस प्रोग्राम की। आप इस इमेज से देख सकती हैं कि इस वॉलेस कार्वर फेलोशिप में कितनी सारी महिलाएं नजर आ रही हैं। इनमें बोरलॉग रुआन इंटर्नशिप भी शामिल है। इन प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाली 70% से ज्यादा युवा महिलाएं हैं और हमें इस बात पर बड़ा गर्व है। अब मैं आपके सामने समरी पेश करना चाहती हूं। हमारे तीन स्तंभ हैं हमारे इस, हम इम्पैक्ट को पहचानते हैं और उसे अवार्ड करते हैं।
हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराते हैं और हम अगली पीढ़ी को प्रेरणा देते हैं ताकि वो कृषि के क्षेत्र में कुछ नया कर सकें। मैं आपको अपने काम का एक और पहलू बताना चाहती हूँ। ब्रैम ने इस बारे में थोड़ा बताया भी था। 2009 में वर्ल्ड फूड प्राइज में आने के बाद मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजर के तौर पर काम किया। मैंने 2 साल का रेस्टोरेशन का एक प्रोजेक्ट किया। मैंने 100 साल पुरानी एक पब्लिक लाइब्रेरी को रेस्टोर किया था, इसे एक ग्लोबल हेडक्वार्टर बनाया। इसे कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन बी बोरलॉग हॉल ऑफ लॉरियट्स। ये $3 करोड़ का प्रोजेक्ट था। हमने इस ऐतिहासिक इमारत को एक बिल्कुल नया उद्देश्य दिया, एक नई पहचान दी। पहले ये 100 साल तक एक पब्लिक लाइब्रेरी थी और अब ये हमारा घर है जहां हम 20,000 से ज्यादा लोगों को हर साल आमंत्रित करते हैं। ये एक पब्लिक म्यूजियम का हिस्सा है, ये एक एजुकेशनल फैसिलिटी भी है और ये आयोजनों को करने वाली जगह भी है। हमारे कई आर्ट वर्क भी हैं। जिनके जरिए हम खेती से जुड़े हीरोज की बात करते हैं। ये कहानियां होती हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई। वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरिएट से जुड़ी। इनका काफी प्रभाव पड़ता है। हम खेती में महिलाओं की भूमिका को सुर्खरू करते हैं। मिसाल के लिए इस तस्वीर में दस बाई छ फुट का ग्लास का एक मोज़ेक है। ये मैक्सिको की एक हस्ती हैं जिन्होंने मक्का के क्षेत्र में काम किया है जिसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन थी। इसके अलावा भारत की सुरेंद्र वासल हैं। ये खूबसूरत मोज़ेक है, ये हमारी इमारत में है। इसमें 2,50,000 ग्लास पीसेस हैं, रखे गए हैं। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ जो हमारे हॉल ऑफ लॉरिएट में है। ये 8 फुट का ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। ये एक प्राचीन किसान को दिखाया गया है। ये शायद सुमेर मेसोपोटामिया का है। सबसे पहले किसान महिलाएं थीं। हॉल ऑफ लॉरिएट्स में हमने कई कलाकृतियां रखी हैं जो कहानी बयान करती हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और यंग गर्ल्स आती हैं जो इन तस्वीरों से प्रेरित होती हैं, जो न सिर्फ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी से परिचित होती हैं बल्कि उन्हें अपनी संभावनाओं का भी पता चलता है और अतीत से जुड़े हीरोज के बारे में भी जानते हैं। इसमें एक नेशनल लैंडमार्क भी है एनर्जी कंजर्वेशन के सिलसिले में। हमने इस इमारत को एक नई पहचान और मकसद ही नहीं दिया। हमने इस इमारत में कई फीचर्स भी जोड़े हैं जैसे कि एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन। हमने इसके लिए लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेशन हासिल किया। ये एक बहुत ही मुश्किल उपलब्धि थी, खासकर ऐतिहासिक इमारतों के मामले में।
इस बाग में 102 जियोथर्मल वॉल्व्स हैं, ये हमारी इमारत को ठंडा करते हैं और गर्म करते हैं। छत पर 90 से भी ज्यादा सोलर पैनल हैं, 8,000 गैलन के सिस्टर्न्स हैं जो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, उनसे बाग की सिंचाई होती है, टॉयलेट्स में फ्लशिंग होती है। तो ये इस इमारत की एक और खासियत है जो न सिर्फ हमारे फाउंडर डॉक्टर बोरलॉग को याद करती है, बल्कि एनर्जी की हाई एफिशिएंसी की तरफ भी ध्यान खींचती है और इस क्षेत्र में भी काम कर रही है। तो ये मेरे फॉर्मल प्रेजेंटेशन का अब मैं समापन करती हूँ। ये सफर वाकई, पिछले 16 साल का ये सफर वाकई कमाल का रहा है। मुझे हमारे काम के बहुत अलग अलग हिस्सों से जुड़ने का मौका मिला। मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनी, मैंने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाया, इस इमारत पर $3 करोड़ का खर्च आया था। मैं फाउंडेशन के आर्थिक पहलू के साथ भी जुड़ी रही तो मेरा ये सीखने का सफर बहुत ही शानदार रहा है और इससे मुझे काफी सशक्त भी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने विचार यहाँ रखने का मौका दिया। आपकी बातें बहुत ही प्रेरक थीं जो आपने हमारे साथ शेयर की। अब हम अगले डायलॉग के बारे में उम्मीद लगाए हुए हैं। आपको इन सब बड़ी बड़ी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत बधाई। हम वॉशिंगटन डीसी में जो डायलॉग शुरू कर रहे हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। हम सभी का स्वागत करते हैं। मैं इस ऑडियंस का एक हिस्सा बनना चाहूंगी जरूर। हम एक दूसरे से परिचित हो चुके हैं। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का 2 दशक का अनुभव है। हम साइंटिस्ट के साथ बहुत करीब से काम करते हैं। हम अपने वैज्ञानिक मकसदों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश करते हैं। हम आपके अनुभव से कुछ सीखने की उम्मीद रखते हैं। मैं अब इंटरव्यू शुरू करती हूँ। मेरा पहला सवाल है, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सेक्टर में एक नेता के तौर पर ग्रेटर जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आपका सवाल बहुत अच्छा है क्लॉडिया। हम ध्यान लगाएंगे शॉर्ट टर्म पर कि हमें फौरन क्या कदम उठाए जाना चाहिए अपने काम वाली जगह पर, चाहे ये खेती हो
या फिर कोई और दूसरा क्षेत्र हो, आप मुझसे पूछ रही हैं कि वर्क प्लेस में क्या कुछ किया जाना चाहिए, तो मैं इसका एक छोटा सा जवाब दूंगी। तनख्वाह बराबर होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, आपस में बातचीत होनी चाहिए, फोरम होने चाहिए जो महिलाओं के काम को सुरखरू करें। लेकिन वर्क प्लेस पर इसे एड्रेस करने के हिसाब से अब देर हो चुकी है। जब तक हम बिल्कुल शुरुआत में ही यानी शुरुआती दौर में ही ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। अगर इस महत्वपूर्ण मुद्दे के को लेकर हम वाकई कुछ करना चाहते हैं तो इसलिए घरों में भी और स्कूलों में भी कदम जल्दी उठाए जाने चाहिए। ऐसा लड़कों के और लड़कियों के दोनों के मामले में होना चाहिए। मसलन जापान या दूसरे कई देशों में बच्चे सिविक सेंस सीखते हैं, स्कूलों में ही सफाई के बारे में सीखते हैं। वो सुबह सुबह आते हैं, अपने स्कूलों की सफाई करते हैं, क्लासेस की सफाई करते हैं, अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखते हैं। इसी तरह अगर जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात है तो ये ट्रेनिंग और ये सोच शुरू जिंदगी के शुरुआती वर्षों में दिमाग में डाले जाने चाहिए, चाहे बात लड़कों की हो या लड़कियों की। और इसके लिए एक पूरी पीढ़ी को सुधारे जाने की जरूरत है। लड़कियों को बड़े सपने देखना सिखाना चाहिए, उन्हें उनकी पूरी संभावनाओं से परिचित कराना चाहिए। जब तक आप कुछ देखेंगे नहीं तब तक आप बनेंगे कैसे, वैसे बनेंगे कैसे? छोटे लड़कों को इस नजरिए का आदर करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। शुरुआत पहले हो जाए तो अच्छा है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अच्छाई घर से शुरू होती है। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप कोई किसी किसी ऐसे इनिशिएटिव की बात कर बता सकती हैं? जिसका मकसद विमेन लीडरशिप को आगे बढ़ाने का हो। ये खेती से भी जुड़ा हो सकता है और किसी और क्षेत्र से भी। मैं एक ऐसे संगठन के लिए काम करती हूँ जो ये मानता है कि खाना हमारा एक नैतिक अधिकार है। हमारा संगठन जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट पर भी ध्यान देता है। ये हमारा एक बुनियादी अधिकार है। मैं यहाँ 16 साल से हूँ। मैं कह सकती हूँ कि हमारा 90% स्टाफ महिलाएं हैं। महिलाएं प्लानिंग करती हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम करती हैं, फैसले लेती हैं, आइडियाज को, विजन को हकीकत में बदलती हैं। यानी हम फाउंडेशन में जो कुछ भी करते हैं महिलाएं उसके केंद्र में हैं। जैसा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया था, चाहे यूथ इंस्टीट्यूट हो या ग्लोबल यूथ इंस्टीट्यूट हो या बोरलॉग इंटर्नशिप्स हो, इनमें 70% पार्टिसिपेंट्स युवा महिलाएं होती हैं, 2/3 फीमेल पार्टिसिपेंट्स होती हैं। We really try to give women a voice
हम वाकई महिलाओं को एक आवाज देना चाहते हैं, चाहे ये बोरलॉग डायलॉग हो, स्टेज हो, या फिर ऐसे फोरम्स हों जैसे कि डायलॉग नेक्स्ट, चाहे ये इथियोपिया का किसान हो, चाहे कोई बिजनेस विमेन एग्री बिजनेस लीडर हो, हम महिलाओं को एक मंच देते हैं कि वो अपने आइडिया शेयर करें और अपनी विजन को दूसरों को बताएं। इसके अलावा स्टोरी टेलिंग एलिमेंट के जरिए हमारे यहाँ महिला एंटरप्रेन्योर्स के नाम लिखे हुए हैं जो बड़ी प्रेरणा देते हैं। तो इन सबको जानबूझकर वहां पर रखा गया है ताकि महिलाओं के रोल को सुर्खरू किया जा सके, यानी बहुत महिलाओं की बड़ी संख्या आपस में कोलैबोरेट कर रही है। ये तो बहुत ही शानदार माहौल होगा काम करने के लिए। मेरा अगला सवाल है, आपके अनुभव में कौन सी बाधाओं और चुनौतियों को महिलाओं को रिसोर्सेस को हासिल करने के क्षेत्र में मामले में झेलना पड़ता है, और कैसे इन बाधाओं का हल निकाला जा सकता है? पहली बात है एक्सपोजर या एक्सपोजर की कमी। जो आप नहीं जानते वो आप नहीं जानते। हमारे यूथ प्रोग्राम्स जैसी पहलों के जरिए हम युवा महिलाओं को ये एक्सपोजर मुहैया कराते हैं और खेती की शुरुआती झलक मुहैया कराते हैं, साथ ही फूड से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बारे में बताते हैं। ये युवा महिलाएं स्कॉलर्स के साथ में नेटवर्किंग करती हैं, विमेन लीडर्स के संपर्क में आती हैं। मुझे लगता है कि एक्सपोजर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरी चीज है। आपको सीखने के शुरुआती दौर में एक्सपोजर जरूर मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि ये चीज शुरुआती चरणों में एक बाधा बनती है। यह आपकी सलाह बहुत अच्छी है, तो हम इस बारे में, आप तो इस क्षेत्र में पहले ही काफी कुछ कर रही हैं। मैंने सिमेट की आपकी टीम को देखा है, आपके बहुत सारे विमेन स्पीकर्स हैं जो आपने पिछले साल लॉन्च की और वो बड़ी शान के साथ आगे बढ़ रही हैं। शुक्रिया। मेरा अगला सवाल है, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को शामिल करने के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमारी सोच ये है, हर किसी की राय का महत्व है। आपकी चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, आपका रोल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी हो, आपका जेंडर कुछ भी हो, फाउंडेशन में आपकी एक आवाज है, आपसे आपकी राय के बारे में पूछा जाएगा। हम इसी तरह काम करते हैं और ये हमारे संगठन के ताने बाने में निहित है, चाहे हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो जो हमने अभी खत्म की है, चाहे वो प्रोग्राम्स हो जो हम करते हैं। हर किसी की राय और विचारों को बढ़ावा दिया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है, तो ये एक टीम प्रोसेस होता है, ये हमारी कल्चर में निहित है। जी, एक और सवाल, एक लीडर के तौर पर आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे प्रायोरिटाइज करती हैं और सपोर्ट करती हैं, खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जिनका ट्रैवल और फील्ड वर्क बहुत ज्यादा होता है?
जब मैं एक यंग मदर थी, तो इस रोल की अहमियत को बखूबी समझती थी। और मुझे मेरी वर्क प्लेस पर मेरी मदरहुड को प्रमोट किया गया। मेरी मदरहुड सबसे महत्वपूर्ण चीज होती थी, चाहे पियानो हो, ताइक्वांडो हो, स्विमिंग हो। मैं एक ऐसी जगह नौकरी कर रही थी जहां मुझे ये सब करने की इजाजत थी। एक साल मैं एक फंक्शन में नहीं जा सकी क्योंकि मुझे अपने बेटे के साथ जाना था। हम चाहे अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के प्रति कितने भी जुनून रखते हों, सभी लीडर्स के लिए ये बहुत जरूरी होता है, चाहे वो पुरुष हों या महिलाएं, कि वो ये समझें कि जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जिंदगी सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी इसी सोच को बहुत महत्व देती हूँ। आपके यहाँ वाकई एक शानदार टीम कल्चर है, वर्क कल्चर है। To be a better employee, एक बेहतर एम्प्लॉई बनने के लिए मुझे ये लगा कि अगर मैं बतौर माँ अपना रोल अच्छी तरह से निभाऊंगी तो मैं अपने काम की जगह भी बढ़िया काम कर पाऊंगी। अब मेरा बेटा कॉलेज में दाखिला ले चुका है, वो अपने अपनी जिंदगी के साथ चल रहा है। तो अब मेरा ध्यान मेरे जीवन के एक अलग सफर पर है। अब मैं अपने करियर में ग्रो कर रही हूँ। पचास के आसपास पहुंचना एक आपको बदलने वाला अनुभव होता है। आपको मदरहुड को लेकर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल है। So it's about this what you already mentioned in empowering women to pursue leadership roles and make meaningful contributions in food security and agricultural development. महिलाएं फूड सिक्योरिटी के क्षेत्र में कैसे? अपना रोल कैसे निभाए? ये एक बड़ी भूमिका है। नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स बनाना बहुत ही जरूरी है, चाहे आप किसी भी रोल में हो, चाहे ये फूड सिक्योरिटी का क्षेत्र रहा हो या फिर उससे पहले हाउस केयर एरिना में। अक्सर होता यह है कि अच्छी मेंटोरशिप के जरिए मुझे लगता है कि एज लीडर्स हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल हो सकता है मेंटरिंग, चाहे ये पुरुष हो या महिलाएं हो। हमें अगली पीढ़ी को प्रेरित करना चाहिए, चाहे ये पुरुष हों या महिलाएं हों। और ये बात डॉक्टर बोरलॉग के लिए बहुत अहमियत रखती थी।
आपको मेंटोरशिप का ध्यान रखना चाहिए. उनके लिए मेंटोरशिप एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर था. And he knew it was there at the Global Youth Institute among those students, young women and young men, that he could make the most long-term impact. So if we are really going to pay homage to his good work, his vision, अगर हम वाकई उनके अच्छे काम, उनकी विजन को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो फिर हमें मेंटोरशिप की तरफ ध्यान देना चाहिए. Whether it's attendees of the Global Youth Institute or attendees from all over the world, all of them have that networking opportunity, because it's really during those conversations that big ideas network के जरिए जो वार्तालाप होते हैं, बातचीत होती है, उनसे बड़े आइडियाज सामने आते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और आइडियाज जो हैं हकीकत का रूप लेते हैं. तो मुझे लगता है कि ये बात बुनियादी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है. मेरे लिए ये एक आहा मोमेंट है. इनफॉर्मल बातचीत में, इनफॉर्मल डायलॉग्स के जरिए हम बहुत कुछ सीखते हैं, जहाँ एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं. हमने साल दर साल ये सीखा है कि हमारी ऑडियंस जो है उसके पास नेटवर्क के लिए काफ़ी समय है और वो चाहते हैं कि आइडियाज़ के फ्री फ्लो के लिए और समय मिले, चाहे नए लोगों से मिलना हो, बोरलॉग डायलॉग रूम के बाहर खड़े होना हो. लोग ये सब चाहते हैं. Create gaps so that people have a chance to network and engage and meet, you know, people from 83 countries. बनाना बहुत जरूरी है ताकि लोग आपस में बात बात कर सकें, चर्चा कर सकें, विचारों का आदान प्रदान हो सके. मशाल, आपसे बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा. ये हमारे लिए गर्व की बात है. मैंने आपसे बात करके अपने लिए कुछ पाया है. अब मैं इजाबेल को माइक्रोफोन सौंपती हूँ ऑडियंस के सवालों के लिए. आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया क्लोडिया. आपने देखा होगा कि मैं इस फाउंडेशन में काम करने को लेकर बड़ा जुनून रखती हूँ. हमें अभी बहुत कुछ करना है और हमें डॉक्टर बोरला की लेगेसी को और आगे बढ़ाना होगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस प्रेरक बातचीत के लिए. बहुत शुक्रिया. हमें स्लाइडों से कुछ सवाल मिले हैं. क्या आप कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगी? मैं कुछ कमेंट्स को हाईलाइट करना चाहूंगी. हमें डॉक्टर बोरलॉग के विजन और लेगेसी को आगे बढ़ाते रहना है. हमें अगली पीढ़ी को प्रेरित करना है, चाहे ये वर्ल्ड फ्रूट प्राइज के प्रोग्राम्स हों यूथ के लिए या फिर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हों. मुझे लगता है कि बहुत से यूथ ऐसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तभी हमें अगली पीढ़ी के एग्रीकल्चर इनोवेटर्स मिल पाएंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. तो सिमेट के
डायरेक्टर जनरल ब्रैम की तरफ से हम आपका शुक्रिया करते हैं. आपने अपनी प्रोफेशनल जर्नी को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद. आप एक कामयाब लीडर हैं. यहाँ आने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया. आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मंच दिया. शुक्रिया. थैंक यू. ऑडियंस का भी शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. इस समय दुनिया के 60 देशों में करीब 6 करोड़ बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं. यानी ये किसी भी बच्चे की जान कभी भी ले सकती हैं. मैं एक माँ हूँ, जानती हूँ बतौर माँ हमें 8 पाउंड के शिशु को पालना होता है और किसी बारूदी सुरंग का वजन भी इतना ही होता है. मेरा मानना है कि ये मानव इतिहास का एक ऐसा दौर है जब हमें लैंडमाइन को हटाकर एक ग्रेप वाइन यानी अंगूर की बेल लगानी चाहिए. अगर बारूदी सुरंग की जगह अंगूर की बेल या कोई फल वाला पेड़ लेगा तो भविष्य की पीढ़ियों का पेट भरेगा. कोई पेड़ लगाने से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है. इससे धरती माँ के फेफड़ों में जान पड़ जाएगी जो हम सबकी है, और जलवायु का संतुलन भी बहाल होगा. डीमाइनिंग, रीप्लांटिंग और दुनिया को फिर से ठीक ठाक करने से, क्योंकि डीमाइनिंग सिर्फ आधी समस्या है. रूट्स ऑफ पीस का पेड़ों को दोबारा लगाने, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर में बड़ा यकीन है और यही हमें मौके नजर आते हैं. जो लोग युद्ध के शिकार इलाकों में रहते हैं उनके लिए जरूरी हैं जॉब्स. अगर हम अफगानिस्तान के इन पुरुषों और महिलाओं को वापस खेतों तक पहुंचा पाएं, अगर तलवारों की जगह प्लोशार्स और बंदूक की जगह शावल्स ले पाएं, तो रूट्स ऑफ पीस की यही असली उपलब्धि होगी. हमारा कैटलिस्ट ऑफ चेंज सीरीज का अगला सेमिनार देखिए 14 मार्च बृहस्पतिवार को.